तो सीएम शिवराज आज बच्चों के लिए खिलौना जुटाने के लिए ठेला लेकर सड़क पर उतरेंगे। ऐसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सीएम की संवेदनशीलता का ये कोई पहला मामला नहीं है। पीसी शर्मा के खिलौना बांटने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए खिलौना जुटाएंगे या फिर राहुल गांधी के लिए। वहीं दिग्विजय सिंह के खाते गांव दौरे पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जयस को दो फाड़ करना चाहती है। कुछ बच्चों के पास ढेर सारे खिलौने हैं और कुछ बच्चों के लिए सपने खिलौने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक संवेदनशीलता का उदाहरण पहली बार नहीं दिया है। बेटी बचाओ अभियान चलाया उन्होंने और आपने देखा होगा उससे एक जो जनजागरण हुआ तो जो लिंगानुपात गड़बड़ा गया था, आज ही खरगोन में बताया कि 1031 बेटियां, मंदसौर में बताया कि 1021 बेटियां हो गई हजार पे। ये परिणाम आते हैं सामने जिसकी कल्पना ये विपक्षी क्या करेंगे। अब कांग्रेस को ये तय करना चाहिए पहले कि वो आंगनवाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है कि राहुल गांधी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है। स्वाभाविक रूप से इस तरह के ट्वीट वो करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनका मूल विषय ही यही है, समाज कैसे टूटे, देश कैसे टूटे, देश कैसे अपमानित हो, समाज कैसे अपमानित हो, मूल भाव ही है, इसलिए तो आज तोड़ने के लिए जा रहे हैं।